यहाँ आप देखिए हम वनस्पतियों में अभी वर्षा होने वाला क्षेत्र है, यहाँ पर जो वर्षा के अंदर होने वाले पौधों को बहुत ही सुंदर ढंग से इन्होंने यहाँ वो किया है। और आप देखिए कितने सुंदर फूल है तो हमारे यहाँ भी, पर कुछ यहाँ पर देखने में लग रहे हैं। और इसमें इतनी तेज खुशबू है, ये बहुत ही बहुत ट्रॉपिकल अफ्रीका का पौधा है, बहुत ही अद्भुत यह पौधा है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे पौधे हैं, और ये वर्षा के हिसाब से हम लोग हालांकि ग्लास हाउस के अंदर है, ये पूरा ग्लास हाउस है, ये कम से कम 100 फीट से भी ऊंचा उसके अंदर है। आप देखते हैं पाम ट्री, पाम तो कितना बड़ा पेड़ है यहाँ पर, ये अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं यहाँ पर। वनस्पतियों के गुणों के हिसाब से हम आपको नहीं बता रहे हैं, हम यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य के हिसाब से बता रहे हैं। पर हम एक ट्राई मारेंगे, यदि अनुराग जी चल पाए तो भाई पीछे से सीढ़ी में कैसे चढ़ा जाता है वो भी हम देख सकते हैं, क्योंकि इसको हम छत से देखने का प्रयास कर सकते हैं। ये छत से भी दिखेगा थोड़ा सा, इस वीडियो में हम वो वाला दृश्य भी आपको दिखाएंगे कि अपने ग्लास हाउस को में देखने के लिए इधर से जो है ये छत की तरफ जो है जाने के लिए हम प्रयास करेंगे, और इसको छत पे चढ़ाऊंगा। उल्टा उल्टा सीढ़ी पे कैसे चढ़ते हैं आज पता चलेगा, क्योंकि मैं आपको ना छत से पेड़ पौधों को दिखाऊंगा। ये ग्लास देखिए, अलग अलग पौधे जो लटके हुए पौधे हैं, सब बहुत सुंदर सुंदर पौधे हैं। हालांकि ये छत पे जाने का रास्ता बंद है, तो ये तो सीढ़ी में लगा हुआ है ताला, और नहीं तो पता चलता अनुराग को आज तो बच गया। तो ये है बहुत सुंदर, देखा सीढ़ी है, ये ऊपर जाने के लिए है, ऊपर भी जगह है और ये बहुत सुंदर है। तो ग्लास हाउस है परंतु देखने में अद्भुत है। यहाँ बहुत यह काम हो रहा है, यहाँ पर पेड़ पौधे भी हैं, यहाँ पर सुंदरता है, यहाँ पर संरक्षण है, यहाँ पर जड़ी बूटियों का संवर्धन है। यहाँ पर अब हम पहुँच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि कोई भारतीय देश के पौधों का एरिया में हम लोग आ गए हैं, क्योंकि ये पौधों को देख करके, चाहे वो इलायची का पेड़ा हो, चाहे करेले का पौधा हो, चाहे कॉफी का पेड़ हो, चाहे आपको जो है अलग अलग तरह के हमारे यहाँ की रजनी हो, यहाँ पर हमारे यहाँ के सदाबहार फूल हो, और सदाबहार के बाद में आप देखेंगे तो आप अलग अलग तरह के पौधे, कपास का पेड़ हो, देखिए कपास में एकदम यहाँ ये कपास खिल रहा है, ये कपास का पेड़ हो तो सच में ही ये बहुत ही अद्भुत है। कपास आ चुका है, ये गिर गया, तो ये कपास है। और हमारी पतंजलि दालचीनी का पौधा हो, ऐसा लग रहा है कि दालचीनी पतंजलि का पेड़ पौधा उठ करके यहाँ आ गया है। यहाँ देखिए अलग तरह से कपूर का पौधा, ये सब भारत चाय। और इतना ही नहीं, मैं आज एक अद्भुत चीज दिखाऊंगा, ये तो कोई भी बता देना, ये बताओ किस चीज का पौधा है। ये मेरा प्यारा गन्ना, खेत में लगता है टनों में कुंटलों में, हमारे को वैल्यू नहीं पता, पर यहाँ लगा है ना, ये देखो गन्ना सा, इसकी इसकी बहुत वैल्यू है। यह 10 पौधों को खड़ा करने के लिए इन्होंने न जाने कितना खर्च किया होगा, कितनी इसके लिए इन्होंने एफर्ट किया होगा। और भी चीज दिखा दो, मैं तो और अद्भुत अद्भुत दिखाती हूँ, अद्भुत है। ये मिर्ची देखा ना, मिर्ची खड़ी खड़ी एकदम मिर्ची, आप कहोगे मिर्ची तो यहाँ हो सकती है पर जो नहीं होता है वो दिखाता हूँ। ये देखो अनुराग, ये आम, आजकल सीजन भी है, आम खा रहे हैं, पेड़ भी खा रहे हैं, पर वहाँ कीमत नहीं है आम की, यहाँ कीमत है इस पेड़ को इन्होंने बचाने के बचाने के लिए। अभी तक तो इस पेड़ ने खर्च करा लिया होगा कुछ लाख, तो खर्च हुए होंगे। और मिर्ची देखो, मिर्ची में ये सफेद मिर्ची, ये हरी मिर्ची, ये गोल मिर्ची, फिर ये तीखी मिर्ची, मिर्ची में मिर्ची, और भारतीय पौधे दिख रहे हैं सब इधर। और ये देखो अद्भुत अद्भुत, ये अमलतास का पेड़ भी यहाँ पर खड़ा है, अब पता नहीं क्या क्या पेड़ खड़े, चीकू का पेड़ जिस है, आप देखो ये चीकू भी यहाँ पर खड़ा है। तो चीकू के अलावा ये आम देखो, आम की अलग वेराइटी है, और ये अम्रूद। ये हमारा अमरूद भाई, ये अमरूद के बच्चे हैं, ये छोटे छोटे से हैं पर है तो अमरूदी से ही। और ये वेराइटीज है अलग अलग, ये करौंदा दिख रहा है, ये तो राजेश का, डॉक्टर राजेश का जो है ये फेमस करौंदा भी यहाँ पर है। और जामुन, जामुन देखो, जामुन फलों के लिए नहीं संरक्षण के लिए उपाय ये लोग कर रहे हैं, सच में अद्भुत है। हमारे को प्रकृति ने जो दिया है उसकी महत्ता को कभी कभी हम कम समझते हैं, पर जहाँ नहीं होता है
वहाँ उनके संरक्षण के लिए। देखो कोको उधर कितना बड़ा फल आ रखा है, कोको ये जो है कोको फ्रूट भी है, और बाकी जो है बहुत सारे लोग भी घूम रहे हैं, गोरे भूरे काले तोरी भी, तोरे भी है तोरी है बोटल गार्ड। अरे तोरी कह रहा है अनुराग, तोरी के तो ये रस्सा रस्सा है, पौधा है नहीं, कटहल जरूर दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ सब कुछ है, अद्भुत है और बिल्कुल बहुत बढ़िया है।